प्यारी सत्संग जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हिंदू परिवार के सज्जनों को नमस्कार और मुसलमान परिवार के सज्जनों को अस्सलाम अलैकुम। असी ये सारी मनुखता वास्ते सैमीनार रखते हैं, इस करके इस सैमीनार विच असी सारयां नूं बुलांदे हां। एक किस्म का इंटरफेथ वाला प्रोग्राम हो जाता है, तो आप जी सारे ये आप जी सारयां दा सन्मान सत्कार वेलकम है। अज दा साडा टॉपिक है, असी गुरमत दे कीमती तीन असूल समझण दा जतन करांगे। किरत करो, नाम जपो, वण छको, की होंदा है उहदे वास्ते असी दो शब्द पढ़े हैं। पहला शब्द असी पढ़िया है आनंद साहब की बाणी जिहड़ी गुरु अमरदास पातशाह जी की है, रामकली महला तीजा। असी उहदे चो पढ़िया, ये शरीरा मेरा इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया। दूजा शब्द असी पढ़िया गुरु पातशाह का, विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख। ये टॉपिक्स के नाल असी आस्ता आस्ता बाणी चो ही बाणी दे अर्थ अते टर्म्स का जिहड़ा गुरु पातशाह का भाव है उसनू समझण का जतन करते हैं। सो आओ, हुण तक आप जी सारयां चों सब ने बहुत वारी सुनिया होना, सब जगह ये मोटो भी लगा होंदा है और बड़ा वड्डा वड्डा लिख के लाया होंदा, किरत करो, नाम जपो, वण छको। संगत चों किसी नूं भी हक है कि वो अपने वल्लों सारयां नाल सांझ कर सकदा है, इत्थे स्टेज ते आ सकदा है और ये दस सकता कि वह की समझदा किरत करो, नाम जपो, वण छको का मतलब। आप जी सारयां चों कोई भी हाथ खड़ा करके इत्थे आ सकदा है। इस तरह मैं क्यों कर रहा, ताकि एक तो तुसी सारे इनवॉल्व हो सको, दूजा यह वन वे ट्रैफिक नहीं है कि मैं बोलना और तुसी सारे ने सिर्फ सुनना है, क्योंकि इंज नहीं है कि मैनू नॉलेज है और तुहानू नहीं है, रादर इंज है कि तुहाडे चों कईयां नू बहुत नॉलेज होएगी, मैनू नॉलेज नहीं है। पर असी बाणी चो सीखण दा जतन करांगे। सो मैं बड़ी हंबलनैस नाल आप जी नू रिक्वेस्ट कर रहा कि हर कोई अपने मन अंदर वलवले लै के बैठता है। इस सैमीनार नू करन दा मकसद यही होंदा है कि कोई अपने मन दा वलवला असी शेयर कर सकीए, असी की जानते हाँ असी वो सांझ कर सकीए, सानू की समझ नहीं आया की कन्फ्यूजन है उहदा सवाल पुटअप कर सकीए, वो अपने कन्फ्यूजन दूर कर सकती है जेकर संगत बाणी चों इस नू रिलेट कर सके। सो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी अंदर इस तरीके दे नाल बाणी की व्याख्या की हुई है कि मनुख रिलेट कर सकता है, सो दैट पीपल शुड बी एबल टू रिलेट विद दैम सैल्वस। असी इस करके सैमीनार का एक राह लभ्या है कि गुरबाणी नू अपने पक्षों अपने उत्ते अप्लाई करके अपने जीवन उच्चिया करन वास्ते उस पक्षों किवें समझना है। इस करके साडे प्रोग्राम भी काफ़ी लंबे समय वास्ते होंदे ने, ताकि असी एक घर जे एक स्त्री है, एक मर्द है, एक बच्चा है, एक दादी है, एक नानी है, नूं सस है, असी सारयां दे एंगल्स तो उस पंक्ति नूं समझण दा जतन करदे हां, ताकि हर कोई अपने आप नाल रिलेट कर सके। सो आप जी सारयां चों मैं फिर सद्दा देंदा, कोई भी सज्जन चाहे तो बड़ा ही ब्रीफ इत्थे आके सांझ कर सकता है। एनीवन प्लीज़, हुण तक गुरमत अनुसार असी किरत करो, नाम जपो, वण छको दा की मतलब समझदे हां। आओ माता जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किरत दा मतलब यह है कि हर कोई काम तो असी करना है, ये जरूर नहीं कि असी कमाई करनी है। जिहड़ियां घर दियां औरतां ने अपने बच्चों को सांभदियां ने, उन्हां दी वो किरत है, बच्चों की किरत है पढ़ना, हर एक की कोई ना कोई किरत है, किरत जरूर करनी है, वेला नहीं बैठना। गुरु साहब ने अपनी सारी आयु किरत की है,
ਜਦ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਛੋੜੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਆਪ ਕਰੋ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਾਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਦੀ, ਜੋ ਹਮ ਇਨਸੇ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗੇ ਨਾ ਤੋ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਮੇਰੀ 75 ਏਜ ਹੈ, 6 ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋ ਕਰਦੀ। ਜਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਗਾ ਹੀ ਹੋਗਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੰਡ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੈਸੇ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਹਮ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਛ ਪੜਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਬ ਹਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤੇ ਤੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿਤਾ, ਅਰੇ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਹਰਿਆ ਕੀਤਿਆ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਮਨੁੱਖ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਕਰੋੜੋਂ ਅਰਬੋਂ ਕਾ, ਆਪ ਜਰਾ ਸਾ ਕੁਛ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਏ, 1 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ, ਤੋ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਮਿਹਨਤ ਸਰੀਰ ਮਿਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਹਮੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੰਡ ਕੇ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਹੈ ਤੋ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਾਬਾ ਅੱਗੇ ਜਾ, ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੰਡ ਚੱਕਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਚੱਕਣਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀ ਜਪਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ, ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਪਣਾ ਜਪਣਾ, ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਪਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ, 3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਦੇਖਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੇਸ ਕਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਆਈ ਫੀਲ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮਾਨਯੋਗ ਵੀਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਨ ਦਿਸ ਅਰਥ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਐਫਰਟ ਟੂ ਅਰੇਂਜ ਸੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਲ, ਅੱਛੀ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀਓ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀਓ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੀ ਫਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਬਚਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਈਏ,
कि सानू एदे विच ठंड पैंदी हैगी है, किसी गरीब दे मूँह च गया है या किसी भी जरूरतमंद है या नीडी है जिदे भी अंदर गया है तो सानू ओदे नाल ही ठंड पैंदी है। जो भी साडे कोल है पहले उसी गरीब नू नीडी नू जो साढ़े सामने है पहले उन्हों दवो, जो बचा कचा तुम आप छको, वाहगुरु थोड़ा आपे ध्यान देगा। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतह। की नाम है? कवलजीत कौर। मान्यो कवलजीत आंटी जी ने थोड़े नाल बहुत सोहनी सांझ की, मैं धन्यवादी हाँ। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतह। किरत करना जो है वह किरत है जड़ी असी सच्ची किरत करते हाँ, मेहनत नाल करते हाँ और ईमानदारी नाल करते हाँ। किरत बहुत तरह की होंगी है, बंदा जुआ खेड के भी पैसे कमा लेंदा वह भी किरत है, बट उन्हें किरत नहीं किया जा सकता। गुरु नानक साहब ने जो किरत कही है वह असी मेहनत करके अपनी नाल ईमानदारी नाल जो कमाया है, चाहे थोड़ा कमाया है ज़्यादा कमाया है, वह है साड़ी किरत। और नाम जपना जो है वह साढ़े वास्ते एक आदेश है, जरूरी है कि सिख नूं हुक्म है कि सतगुर का जो सिख अखावे बल्कि उठ हर नाम ते आवे। हाँ जी, वो साडा कर्म है नाम जपना है, क्योंकि जिस मालिक ने सानू पैदा किया है उन्हों असी याद जरूर रखना, जिन्हें सब कुछ सानू दे रखा है, खाना पीना रहना सहना हर चीज़ दिती उन्हें, उन्हों उदा शुकराना करना है, असी उन्हों जरूर याद करना है। इस करके असी नाम जपते हाँ। नाम जपना की है कि नाम असी कई बार की होंगे कि सारी जिंदगी जपते रहते हैं, बट वो करन दे बाद भी साढ़े उहदे च कुछ फर्क नहीं पैंदा। नाम जपना मैं समझदा कि जिले साड़ी सोच बदल गई तो समझ लो असी नाम जप लिया, उस वेले तत्क्षण असी जप लिया। एक बंदा कोई हुणे मेरे विचार अच्छे हो गए किसी के बारे च, मैं कोई नेक काम कर लिया तो मैं उस वेले देवता बन गया, वो मेरा नाम जपना ही मेरा हो गया, सफल हो गया, चाहे मैं जपया या नहीं जपया। और मैं चाहे सारी जिंदगी जप जी दा साहब सुखमनी साहब सब कुछ पढ़ता रहा, बट मैं कुछ मेरे ख्यालात अच्छे नहीं, मेरी सोच अच्छी नहीं, मेरी सोच किसी बारे दूसरे बारे वास्ते सब गलत है, भैड़ी सोच है, तो मेरा वो नाम जपना बेकार है। नाम वही है सिर्फ जिले तुहाडी फीलिंग बदल गई, तुहाडा आपे आप नाम हो गया, बस वही है नाम जपना। पहले अपनी सोच नूं अच्छा कर लो, सब तो वड्डा नाम जपना यही है। हाँ जी, वंड छकना यह है कि जिसले तुहाडे कोल तुसी एबल हो दूसरे नूं देण वास्ते, तुसी कमांदे हो, तो गुरु साहब ने सानूं ताकीद दित्ती है कि तुसी अपना सिर्फ ज़्यादा नहीं 10% अपना कढ़ सकते हो, और हरेक आदमी वह कढ़ सकता है। ठीक है सर, तो उस वही सानूं दस्सिया उन्होंने कि तुसी नाम मतलब वंड छकना किनूं कहिंदे हन, नाम की है तुहाडा, नाम की? अमरजीत सिंह। थैंक यू जी, मेरे वीर अमरजीत सिंह जी ने तुहाडे नाल सांझ की, मैं इन्हां दा धन्नवादी हाँ। एनी वन आओ ना, मैनू जैस जदों ऐसा चांस मिलता है कि मैं अपनी स्टेज दूजियां नूं दे सकां तो मैं वो चांस मिस नहीं करता, बजाय इस दे कि मैं अपना सबर लूज कर जावां और मैं कहां मेरा टाइम है तो मैं ही बोलना। सो इट्स योर प्रोग्राम, सो तुसी अपने वलवले सांझ कर सकते हो, मैनू कोई काल नहीं है। हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिस तरह बाणी च लिखिया है, हाथ पाँव किच काम कर चीत निरंजन नाल, मेरे ख्याल इस सारा कवर करता है बाबा जी ने। जिस तरह असी अपना हथी काम करना है, हर मैं भी एक मदर हाँ, अपने बच्चों नूं खाना बना के खिलावांगी और बड़े सहज नाल, ते वो किरत मेरी ते वो ही है। मैं कोई बाहर नौकरी करन ते जांदी नहीं, इस करके मेरी किरत मेरे परिवार च ही है। रब वल ध्यान रखनी आ बड़े ध्यान नाल, सच्चा जिसनूं कहंदे ने किसने की खाना है की बनाना है, प्यार नाल उसनूं किरत करना, नाम जपना कवर हो गया वो, क्योंकि वन छकना जेड़ा मनु थोड़ा बहुत ज्ञान अगर कुछ मिल रहा है किधरों, वो मैं अगर सारिया नाल डिस्ट्रीब्यूट करांगी, सारिया नाल शेयर करांगी, तो वो मेरा वन छकना हो जाएगा। इस विच सच्चाई के रस्ते ते चलदे होया, रब्बी गुणा नूं धारण करदे होया, ये सब कुछ करांगी ते किरत नाम और वन छकना। थैंक यू। की ना है, अपना नाम बोलो। हरजीत।
हरजीत मासी जी ने तुहाडे नाल सांझ कीती, मैं इहनां दा धन्नवाद दी हां। हाँ जी, होर कोई? हाँ जी, किरत करना, किरत करना तो मेरा भाव है, वैसे मैनू कुछ ज़्यादा बाकी मैनू भी नहीं आता कुछ, लेकिन जो सुनीदा है या जो समझिया हाले तक है न्यू मिर्च, यही लगता कि किरत करना अपनी ड्यूटीज है साथ। जो वाहिगुरु ने सानू ड्यूटीज दित्तियां ने, मैं एक औरत हाँ, बच्चों की माँ हाँ, नूह सस भी हाँ नूह की, तो मैं जो अपनी ड्यूटीज अच्छी तरह निभा सकती हाँ, मैं लगता वो मेरी किरत है। या मैं बच्चों का ख्याल रखना, बच्चे नाल प्यार नाल गल करना, अपने हसबेंड का ख्याल रखना, रिश्तेदारियाँ जो मिलिया ने, मैं लगता उन्होंने भी अच्छे तरीके नाल निभाना, वो ही मेरी किरत है। तो बाकी है कि जेड़ा नाम जपना है, नाम मैनू लगता कि पढ़ पढ़ गड्डी लगती है, मतलब वो चीज़ ना असी करिए कि पढ़ पढ़ के असी पढ़ रहे हैं बाणी लेकिन अंदर नहीं बस रही साडी। मैं चाहनी हाँ कि जड़ी कोशिश यही होंदी है हुण कि अगे समझ नहीं आती सी, अगे पढ़ी जाती सी गुर मतलब सुखमनी साहिब दो पाठ कर ले, तीन पाठ कर ले, तो हुण दिल करता है कि चाहे एक भी कुछ भी करिए, जिवें वीर जी ने उन्होंने भी कहा कि चाहे थोड़ा जहा पाठ करिए, या एक शब्द भी मैं पढ़ती हाँ, मैं कीर्तन भी कर लैनी हाँ, थोड़ा जहा कीर्तन भी करती, तो दिल करता है कि जिहड़ा अज शब्द पढ़िया उहदा अर्थ समझ आए। वाह, जे अर्थ नहीं समझ आया तो वह रस अद्धा रहता मैं, पर जो मैं उन्होंने पढ़ के तो उन्होंने समझ की कोशिश कर रही, एक भैन जी ने सानू बहुत साथ दिता, तो जो उन्होंने गुरबाणी विचार करते हूँ दिल करता है कि जोड़ा भी शब्द पढ़ते हैं, चाहे कुछ भी थोड़ा जहा भी वह एक तुक भी पढ़ते हैं, तो वह लगता है कि वह अंदर बसते, तो वह इन्ना ज़्यादा आनंद आता है कि वह घर कर गई कि अंदर बस गई है। तो वो मैं अपनी फैमिली नाल भी शेयर करती कि जोड़ा मैं शब्द पढ़िया है थोड़ा यदा मन ही पता है, फिर वो कहते नहीं बच्चे मम्मी सानू नहीं पता, तो मैं जो शेयर करते कहते हाँ, फिर वो भी आके बैठते हैं, तो मैं लगता है यही किरत हैगी। अच्छा, हो सकता है मैं कई गल्लां च गलत भी हुंदी आ, कि नहीं कि ईगो भी आ जाती है, नॉर्मल चीज़ है, वी आर वेरी नॉर्मल परसन, तो पर कोशिश यही हुंदी है कि नाम जपन का मतलब यही है कि जिनी बाणी पढ़ी है, सवेरे नितनेम किया है, उहदा कुछ असर कुछ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ तुसीं अपलाई करो, वो नहीं कि पढ़ पढ़ के गुरुद्वारे आ गए फिर घर बैठ गए। तो मैनूं ये लगता कि सानू जरूरी यही है कि नाम जिहड़ा जपना है, किरत करनी है, ये सारे रिलेटेड ने गुरु जी ने कहा। तो वण छको, तो वण छकना कि जो भी असी कर सकते हैं अपने पैसे दे नाल, किसे दे तरीके नाल, कोई घर बीमार हैगा वो भी किरत विच भी आंदा है, पर कि अगर सर्वेंट है घर विच या कोई थोन लगता कोई बीमार है, अगर तुसी फ्री हो, मैं बिल्कुल इस तरह कोई बिजी नहीं हाँ, आई एम हाउस वाइफ, लेकिन मैं कुछ कर सकती हाँ, तो मेरा बहुत दिल करता है कि मैं किसी लिए कुछ करा जाके। थैंक यू सो मच। की नाम है तुहाडा? हरप्रीत कौर। हरप्रीत कौर पैंची ने तुहाडे नाल सांझ कीती, मैं इहनां दा धन्नवाद दी हां। होर कोई? आओ जी आओ। हर किसी ने बड़ा ही ब्रीफ सिर्फ ये सांझ करनी है, मैनूं अज तक किरत करो, नाम जपो, वण छको, की समझ आया? दैट इज़ द परपज ऑफ द सैमीनार। सैमीनार दे विचकार या तो टॉपिक नूं उभार के खोल के कई घंटे लगा के असी समझण दा यतन करदे हां, या असी सैमीनार च अपने क्वेश्चन आंसर सांझ करदे हां। आओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम हरप्रीत कौर है। जिस तरह अज दा टॉपिक वीर जी ने सानू दस्या कि किरत करनी, मेरे हिसाब नाल किरत करनी यही है कि जिस तरह दा भी सानू काम गुरु साहिब ने सौंपिया है, अगर कोई लेडी हाउस वाइफ है तो वह अपने काम नूं अच्छे तरीके करे, अपने बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके करे, उन्होंने गुरबाणी के संस्कार दे, जिहड़ियां बिजनेस वूमेन ने वो अपने काम नूं बड़े अच्छे ढंग नाल करन, ईमानदारी नाल करन, और कभी भी किसी नाल कोई धोखा मतलब करके कोई भी काम ना किया जाए, और जिहड़ा काम किया जाए उहदे विचों गुरु साहिब के दसे हुए अनुसार सानू अपना दसवंध कढ़ना चाहिए है, और वह अच्छे तरीके नाल उन्हों बार लोगों नू यूज़ करना चाहिए है कि किसी के काम आ सके। नाम जपन तो भाव है कि असी गुरबाणी पढ़ते हाँ, बहुत ज़्यादा गुरबाणी पढ़ना ही मेन मकसद नहीं है, सानू गुरबाणी समझ समझ के पढ़नी चाहिए है। एक टाइम ऐसा दा सी कि असी पाठ करते सी जो सानू सिखाया गया, सवेरे जपजी साहब करो, दोपहरे सुखमनी साहब कर लो, शाम नू रहिरास साहब करो, सोहिला पढ़ो, सारियां बाणियां पढ़ो। आज भी कई जगह इस तरह के जत्थे चलाए गए ने जिथे कहा जाता है कि कुंजा पाठ चुपई साहब के करो, 101 पाठ सुखमनी साहब के करो,
मेरा मनना है कि पाठ चाहे थोड़ा करो, बेशक तुसी रोज़ एक अष्टपदी पढ़ो, लेकिन उसकी विचार जरूर करो। हर शब्द के विच रहाओ दी तुक है, उत्थे सानू गुरु साहब ने रुकन का आदेश दिता है, उत्थे रुक के असी देखिए कि सानू गुरु साहब की कहना चाहते हैं। और हर शब्द के विच रहाओ दी तुक के आस पास ही सारा शब्द हुंदा है, जिदों तो सानू अपनी डेली लाइफ नू असी किवें मतलब चलाना है और किवें असी समझ समझ के बाणी दी विचार करके अपनी जिंदगी नू उहदे अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करिए। बहुत मुश्किल है करना, लेकिन असी कोशिश तो कर ही सकते हाँ। और जिहड़ा कहा गया है कि वण छकना, उहदे तो मैं समझदी हाँ कि साडे कोल कुछ भी है, अगर सानू कीर्तन आंदा है तो असी कीर्तन सिखाइए। खावो खर्चो रल मिल पाई, तोट ना आवे वधो जाई, साढ़े गुरु साहब का हुक्म है। तो असी हर चीज़ नू वंड सकते हैं, जरूरी नहीं है कि साढ़े कोल पैसा है असी उहदी मदद कर सकते हैं, या साढ़े कोल कपड़ा ज़्यादा असी वह वंड सकते हैं। साढ़े कोल कुछ भी है, अगर सानू पंजाबी आती है, असी शाम नू जदों टाइम तो वेले होइए कुछ बच्चों नू इकट्ठा करके उन्हां नू पंजाबी सिखाइए, या उन्हां नू कीर्तन की क्लासिस देइए, तो उन्हां कोलों कोई फीस ना लईए और उन्हां दी पढ़ाई विच मदद करिए। यह भी एक वंड छकन वाला उपदेश सानू गुरु साहब ने दिता है। असी गरीब बच्चों की मदद करिए तो वह सब तो वधिया वंड छकना, नाम जपना, किरत करनी, सब कुछ ये आ जाता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हरप्रीत कौर। आओ जी, कोई यंगस्टर्स जो भी आना चाहे तो आ सकता है। प्लीज़ कम ऑन, यू कैन स्पीक इन हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, वट एवर यू लाइक। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु जी के हिसाब नाल किरत करना, किरत करना की है? किरत करना है सच्ची सुची नौ की कमाई साड़ी, जिहड़ी जिहदे विच किसी का पराया हक ना मारिया जाए, किसी का कोई भी किसी भी तरह का हक ना मार के, वह सच्ची कमाई जे असी बच्चों नू लिया के दिने आ, क्योंकि किरत का असर साडे बच्चों पर पैंदा है। जैसा अन्न वैसा मन, इस वास्ते बच्चों नू हमेशा एक कोशिश करिए कि सच्ची सुची कमाई ही लिया के उन्होंने मुँह ते पाई जाए मुँह, क्योंकि उहदा असर बच्चों के मन ते ते तन ते पैंदा है। सब तो पहला तो सानू सच्ची सुची कमाई करनी चाहिए है। और किरत एक माँ वास्ते की किरत है? अगर बच्चा तुहाडा रोटी भी खा रहा है, बच्चा नहा भी रहा है, तो माँ उहदे विच एक ऐसी अच्छी साखी भाई तारू सिंह जी की या कोई भी अच्छी साखी उन्हें सुना के उन्हें उस पासे ला सकती है। उहदे वास्ते उन्हें स्पैशल टाइम नहीं देना पेगा, पर नहाते नहाते बच्चे दे रोटी खाते खाते अगर वह साखी उन्हें सुना देंदी है और बच्चे के मन च आ जाती है, तो बच्चे माँ वास्ते वही सच्ची सुची किरत हो जाती है, क्योंकि बच्चा उसनों लाइफ तो भुलता नहीं है। दूसरा, माँ खाना बनाते बनाते अगर पाठ कर रही है तो उहदा भी असर बच्चे दे खाने पर बहुत ज़्यादा पैंदा है, जिस तरह पहले दी मावां करदियां सी, शायद असी अज दी मावां भुल चुकी हाँ। दूसरा, नाम जपना जिहड़ा है वह नेरे सुखमनी साहब के पाठ या कोई अखंड पाठ या सहज पाठ बड़ी जल्दी जल्दी खत्म करने वाले नाम जपना उन्हें नहीं कहा जाता। नाम जपना तो बहुत एक सहज अवस्था आती है नाम जपन नाल, तो नाम जपन नाल तो इंसान का सब तो पहले नम्रता आती है जो साडे च कभी आई ही नहीं। इन्ना पाठ करके इन्ने कीर्तन समागम अटेंड करके भी असं किसी नूं कुछ भी कहने तो साडा मूँह गुस्से का लाल पीला हो जाता है कि हैं इन्हें मैनू यह कह किवें दिता, तो फिर साडे च सहज किवें आया। जब वाहिगुरु कहिंदे ने काम क्रोध काया को गाले, तो असं क्रोध एक मिनट च गुस्सा कर लैंदे आ, असं कभी सोचा ही नहीं कि हाए यह तो असं हुणे गुरबाणी पढ़ के हटे हाँ, हुणे कीर्तन दरबार च सानूं रागी जी ने दस्सिया सी नहीं, लेकिन बाहर आंदे उसी टाइम गुस्सा कि इन्हें मैं कह किवें दिता। तो हंबलनैस सानू गुरबाणी तो सिर्फ हंबलनैस सिखाती है। निवन सुअखर खवन गुण जेवा मणिया मंत, एतरे भैने वेस कर तामस आवी कंत। तो साडा कंत साडा पति परमात्मा और साडा असली पति भी साडे वासे नहीं आ सकता जब तक साडे विच नम्रता नहीं है। तो नाम जपना तो मैं उन्हूं कहांगी कि नाम जपना सहज अवस्था विच मुस्कुरा मुस्कुरा के बाणी पढ़ना, बाणी नूं समझना, क्योंकि गुरु जी नाल गल्लां करनियां, नाम जपना गुरु जी नाल गल्लां करनियां ने, और गुरु जी हर गल का जवाब देंदे ने। कदी असीं अपने मन च क्वेश्चन लैके जाइए और कदी नहीं हो सकता कि सानूं उस क्वेश्चन का आंसर ना मिले। तो नाम जपना मैं सिर्फ निवन सिर्फ गुरबाणी पढ़न नूं नहीं कह सकती, नाम जपना ते खेलंदियां हसंदियां और हाथ पाँव से काम कर चीत निरंजन नाल, अगर साडा नाम एक ऐवी नाम है, अगर इसी कबूतर नूं देखने आ उहदे पर देखने कि वाहिगुरु तैनूं किन्ना सोहना बनाया है, एक अनार दा दाने नूं देखने आ उहनें हर एक दाने नूं किस तरह मिन मिन के पूरा अनार पैदा किया, ऐवी एक नाम है, एक विस्माद है।
विस्मार नू फीलिंग करना ही नाम जपना है। और वन छकना मेरे ख्याल सिर्फ मटेरियलिज्म नहीं कि असी साढ़े को कुछ चीज़ है तो वन छक देते ठीक है, दसवान जरूर करना है, लेकिन दसवान उत्थे करना है जिथे उसकी जरूरत है। किसी बच्चे का ब्याह करना, किसी गरीब का भला करना दसवान किया जाता है। गरीब का मूँह गुरु की गोलक, ना कि कीर्तन दरबार करा देने, लंगर लगवा देने, तो स्टॉल लगा देने दसवान है, वह दसवान नहीं किया जा सकता। और दसवान करना सिर्फ पैसे वालों नहीं है, दसवान करना जो असी हुण कर रहे हैं विचारां दी सांझ नूं भी वंड छकना चाहिए। अगर एक डॉक्टर है तो वह अपने शाम नूं क्लीनिक जाके अगर वह गरीबां दा इलाज फ्री कर देवे, या अगर कोई टीचर है तो बच्चों नूं पढ़ा देवे, वह भी दसवान मनिया जाता है मेरे हिसाब नाल। बाकी वीर जी दसंगे, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। की नाम है? मनिंदर कौर। तुसी प्रिंसिपल हो? टीचर हो? नहीं, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में मैं हेडमिस्ट्रेस हूँ। पकड़े गए। थैंक यू। टीचर हैं पढ़ाने हैं। थैंक्स फॉर शेयरिंग। वो पिछे एक होर पापा जी हाथ खड़ा कर रहे थे, आगे आ जाओ जिन्होंने। हाँ जी, मेरा नाम कनूरीत कौर है जी। थोड़ा जा ब्रीफ रखो प्लीज सारे। जिन्नी मैनू समझ आती है, किरत करना, नाम जपना, वंड छकना इज लाइक नॉलेज नू ग्रहण करना, सेकेंडली शेयर करना, एंड थर्ड इज प्रैक्टिस करना। नॉलेज जो सानू आ गई, I mean, it is not a process ki haan shuru kita te aa gayi, it is an ongoing process, but knowledge creates an understanding of everything and anything. Te oh tusi kis maine nal share karna hai, kis tarah share karna hai, it will come automatically. So three things that I understand and I make it you know, understand to even my child and everybody is like, grahan karo knowledge, share karo, फिर प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। की ना है थोड़ा? कनूरीत कौर। कनूरीत, कनूरीत। थैंक यू कनूरीत बहन जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग। चाइल्ड एंड एवरीबॉडी कौन है? वो एवरीबॉडी कौन है? हस्बैंड भी गल करी। हस्बैंड है, सास है। सो उन्होंने भी पढ़ाते हो? कोशिश करी था, कोई मौका नहीं छड़ी था। कैरी ऑन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो आज वीर जी ने जिस बारे कहने वास्ते क्या हैगा, मैं उस लायक तो नहीं हैगा, लेकिन थोड़ी जी मैंने बैठे बैठे सोचे हैं, वो मैं कहना चाहना कि किरत करो, असी ईमानदारी नाल कमाई करिए, किसी का हक ना मारीे। क्यों? गुरु साहब ने खुद कहा हैगा, बहु पर पंच कर पर तन लावे, सो दारा पे आ लुटावे, मन मेरे भूले कपट ना कीजे, अंत निवेरा तेरे जी पे दीजे। दूजा नाम जपो, केवल वाहेगुरु वाहेगुरु करन नाल या नाम सिमरन करन नाल या पाठ करन नाल, बोते पाठ करन नाल काफ़ी नहीं हन, लेकिन सानू गुरु साहब ने खुद कहा है, सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतरगत तीर मल लाओ। जो असी पढ़िए, जो असी सुनीए, उसदा मन च अपने पाव रखिए, उस उत्ते आप चलीए, साडा इशनान भी हैगा। तीसरा वन छकना, जो वाहिगुरु ने मैनू दिता है उस तो सही जगह। गुरु साहब ने कहा गया, गरीब का मूँह गुरु की गोलक, या जो मेरी सोच है उसनू मैं लोका जो बन सका। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। ना दसो। मेरा नाम परविंदर सिंह। मेरे वीर परविंदर सिंह जी ने तुहाडे नाल सांझ कीती, मैं इहनां दा धन्नवाद दियां। थैंक्स। हाँ जी भाई साहब जी, तुसीं आना, आओ आओ जी, सदके आओ। तुहाडा लास्ट रख ली है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं भी
जो इस टॉपिक पर बोलागा मैं इन्ना कोई सीखिया इन्ना दी पढ़ी बुक्स जो पहला मैं भी बार ही सीमित सी जिदा आम अर्थ होंगे ने असी अखरी अर्थ कर गए टप गए शरीर की गल कर गए जो वीर जी ने सुनिया इन किताबों पढ़िया बड़ा अच्छा मिलिया जिमें जो काम मेरा तन कर रहा है ना वो मेरा मन भी कर रहा है जो काम मेरा तन करता वो मन भी करता जो मेरा कोई तन काम करता है इन्ना को पता लग जाता भी समाज उसनों देख लेंदा हो सकता है थोड़े समय वास्ते वो तन जड़ा ना समाज तो लुका सकता है लेकिन मन मेरा नहीं रुकता। दूजी गल जे तन नाल किरत करो जी मैं गल कर रहा जे तन नाल कीता होया माड़ा काम जां जिवें हक मारना जिसनों अज के शब्दों में काला धन कह के बंद करवा दिता गया लेकिन कभी सोचेगा कि मेरे मन ने जो काला धन कट्ठा किया उन्हें बंद कौन करवाएगा उन्हें बंद करवा सकता है तो कौन कौन करवा सकता है जो मेरा मन गुरु की मत नू लैके वह पड़चोल करता है भी मेरे अंदर कट्ठे किए गए विचारां दे तन दे पिछे गुरु की मत काम दी करदी पई है या जड़ी मैं पराई सोच गुरु की सोच नू छड़ के होर सोच नू लैके बैठा उहदे नाल मेरा वह अंदर का काला तन बस इस तन नू ग्रंथ साहब करवा सकते हैं गुरु ग्रंथ साहब की विचार गुरु ग्रंथ साहब की मत किरत करो एक मेरा तन काम कर रहा है एक मेरा मन काम कर रहा है बस। दूसरी गल नाम जपना ये सवाल आखिर बड़े आते हैं भी नाम की है कि गुरु ग्रंथ साहब बार बार नाम जपन की गल आई है जिसनों गुरबाणी के भी कहा गया भी तुझनों निवन मनन तेरा नाओ जा गुरबाणी के प्रमाण सा संगत कैसी जानी है जितों एको नाम बखाणी है नाम की है एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो जो मेरा मन गुरु की गल न मन के उसके अनुसार जीवन ज्यों लग पैंदा है ये नाम जपना जप का अर्थ हुंदा है दृढ़ करना जपण का अर्थ हुंदा है दृढ़ करना जिवें जपजी साहब क्या गया ना जप नाम होता जप वो जपना ही है कि 38 पौड़ियां तेरे जीवन में दृढ़ हो जाए तो दृढ़ होणगियां उदों जवान दे नाल नहीं जो मेरे वो प्रैक्टिकल हो जाएगियां जपना बढ़ सकना तो जो मेरा मन जरा चंगे विचार कट्ठे कर लेंदा ना ये फिर अपने इन्हां इंद्रियों वंडद जिमें असी बाहरों से मदद करनी करनी है ये तो सिख का फर्ज है ही है लेकिन मैं ये भी पड़चोल करा भी जे मेरे मन ने गुरु को आ धन लै लिया ना पर तेरे रूप ना पेख है नेत्र ते ये मेरिया अखा नू वंडे जे मेरे मत ने यह धन लिया ना कर ना सुने काहू की निंदा ये मेरे कन्ना नू वंडे जे मेरे मन ने यह धन कट्ठा किया ना रसना तू अनरस राज रही तेरी प्यास ना जाए ते मेरे इन्हां इंद्रियां नू यह धन वंडे मेरे ज्ञान इंद्रिया जरा धन वंडना है ना वंड छकना जो कहने वो मेरे मन ने भी करना है मैं मन करके भी अपने इन्हों इंद्रिया सच का भोजन वंडा जोड़ा सच का भोजन मेरे गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु ग्रंथ साहब की विचार गुरु ग्रंथ साहब जी मत बख्शती है तन करके भी मैं मदद करा तो मैं अपने मन करके इन्हों इंद्रिया भी सही पास लेके आव बस इन्हें कुछ शब्दों मैं खिमत आ जा चुका वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी अपना नाम दस दास का नाम गुरविंदर सिंह है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब जी गुरिंदर सिंह जी ने सांझ की मैं इन्हों का धन्यवाद दी हाँ। सो साडा अज का टॉपिक कितनी ज़्यादा रोशनी पाई जा चुकी है आई डोंट थिंक सो कि मेरे अगे शेयर करन दी कोई लोड़ है जे चाहो तो असी क्वेश्चन आंसर भी शुरू कर सकते हाँ लेकिन हाँ जी लेकिन मैनू जो गुरबाणी चो समझ आया वो मैं आप जी नाल सांझ करना चाहता वो सांझ करन तो पहला मैं एक एग्जाम्पल सांझ करना चाहता आज तो 200 साल बाद पीजे नू परांठा ही आख्या जाएगा क्यों क्योंकि परांठा गायब हो चुका है तो होर 10-20 साल खत्म हो जाएगा तो लोग
ਪੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਾਂਠਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰਮਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਗਲਤ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਤਨਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਤੋਂ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਲਕਿ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਈਡਲੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬਈ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਕਰਨਾ, ਸੁਬਹਾ 6 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਔਰ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋਬ ਲੱਭਦਾ ਔਰ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ 2-2 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ 6 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਕਮਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, 10-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਿਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਬੀ ਇਟ ਜੋਬ ਬੀ ਇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਉਹ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫੇਥਫੁੱਲੀ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਰਤ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪੇਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਗੋਡੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਟੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਿੱਜ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਾਰ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈੱਲਫੋਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕੋਲ, ਔਰ ਇਹ ਵੇ ਬਈ ਰੋਟੀ ਵੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਕੁਕਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘਰ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚੋਂ ਖਾਧੀ ਕਰਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਮਪੋਸੀਬਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ
चांस दे रहा कि तुसी सारे भी बोल सकते हो। मैनू कुछ भी नहीं पता, मैं गुरु पातशाह नूं पूछ रहा। सो कमाया दा किरत दा किरत करना वंड छक किरत करना नाम जपना वंड छकना वर्ल्ड वाइड सिखा दे स्कूलों विच भी गुरुद्वारों विच भी यही पढ़ाया जाता है कि तुसी नेक कमाई करया करो, नेक कमाई करके रब दा नाम लिया करो, नाम जपो अते फिर लोगों नाल अपनी कमाई चो शेयरिंग करया करो, वंड छकना ज़्यादातर असी आई सुने। आई कैन नॉट से दिस इज़ रोंग, आई कैन नॉट से, बट मैं तुहाडे नाल एक सांझ करदा। लोकी पोचे मारते हैं, लोकी दरिया बिछाते हैं, लोकी लंगर की सेवा करते हैं, लोकी जोड़िया की सेवा करते हैं, इस तरीके नाल लोकी इन्हां सारियां गल्लां दा नाम सेवा रखते हैं। असी ये वाइडली मन्या हो, लेकिन यह सारिया अप्रोचिज सन कि मैं गुरु की सेवा किवें कर सका। सो गुरु पातशाह कहंदे ने सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ना है। इहदा मतलब हुण तक असी जिन्हां चीज़ां दा ना सेवा रख्या होया सी उन्हां चीज़ां दा ना असी कैंसल तां नहीं कर सकते। दरियां चाड़नियां, पोचे मारने, लंगर लाने अते जोड़ियां दी सेवा करनी, ये सारा कुछ साडे गुरुद्वारे दे और संगती सिस्टम दा एक अंग है, एक डिवाइन अंग है। लेकिन लंगर पकांदियां या जोड़ियां दी सेवा करदियां मनु एक सही मैनेज गुरु की सेवा सीखनी है। वो तुहाडे चो किसी ने शेयर किया सी इत्थे कि मैनू दूजे चो भी गुरु भाव रब नज़र आ सके। जदों मैनू दूजे चो रब नज़र आना शुरू हो गया ना, दैन द गुर की सेवा स्टार्ट्स। सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। सतगुर का मन की होंदा है? जिमें मैं कह रहा मम्मी मेरा आज मन नहीं है कि मैं आपकी ये खिचड़ी और घिया खाऊं, मेरा मन नहीं है कि ये वाले कपड़े मैं पहनूं, मेरा मन वहाँ पर जाने के लिए है। ए गुर का मन दे गल, ऐसे वाले मन दी गल नहीं चल रही। सो सिख सखा बंदप है भाई जे गुर के पाणे विच आवे। पाणे मीन्स गुरु दा जेड़ा पैराडिम है, गुरु दा जेड़ा नज़रिया है, उस मुताबक जे मैं चला तो इनू सा सेवा कीती सफल कहते ने। इहदा मतलब सेवा असी जो जानते हाँ वो टर्म असी लगाई हुई है। सेवा गुरबाणी मुताबक किनू कहंदे ने, सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। सो सिख सखा बंदा पै भाई जे गुर के पाणे विच आवै। अपने पाणे जो चले पाई, जो अपनी मन की मर्जी दे मुताबक चलता है, विछड़ चोटा खावे वो गुरु कोलो विछड़ जाएगा। मीन्स गुरु जड़ियाँ डीड्स दसता है, जो कर्म दसता है, होना तो विछड़ जाएगा। जो कर्म असी करते हैं सत्संग जी, फर्ज करो मैं एक तरीक कोई काम शुरू किया, काम एक्शन सुभा डीड्स प्रैक्टिस एनीथिंग, इनू पूर्व कमाया कहते हैं। अपनी जिंदगी विच फर्ज करो मैं 5 साल की उम्र सीखिया कि मेरी मम्मी नू पापा जी ने क्रोध किवें कीता और मेरी मम्मी किवें डर गई, मेरे वड्डे भरा ने रो के किस तरह चॉकलेट या आइसक्रीम खरीदवा ली। उस दिन मैं सीखिया उच्चा बोल के रो के या क्रोध करके किवें मनवाईदा, ये वाली आइटम ये वाला तरीका मैं सीख लिया। सो 5 तरीक तो मेरा पूर्व कमाया शुरू होएगा।
मेरे शरीरक तौर ते माँ दे पेट चों जन्म लैण तो पहले नू पुरब कमाया नहीं कहंदे हन। काश ये गल सानू समझ आ जाए। काश असी इस एंगल तो समझण दा जतन करिए। उन्हों कहते ने पूर्व कमाया सो आगे आया। जो मैं सोचिया, जो मैं मान लिया और उदे अकॉर्डिंग जो मैं सुभा बना लिया, इनू पूर्व कमाया कहते ने। और पूर्व कमाए नू असी दिन रात कमांदे हाँ। जो पूर्व कमाया चंगा नहीं है, जिवें भाई साहब जी ने बोलिया, गुड डीड्स वाला नहीं है, ता ओ पूर्व कमाया नैगेटिव हो जाता है। ता ओ पूर्व कमाया काला धन काचा धन कहलाता है। ए जिहड़े नोट ने ना कागज़ दे बने हुए, सोना पैसा कागज़ पत्नी मकान प्रॉपर्टी, इन्हां नूं काला धन नहीं कहिंदे ने। जो मेरा मन गुण सोचनी विचार थॉट प्रोसेस दे कारण सुभा कमांदा है ना, उन्हूं कमाना कहिंदे हन। जे ये सतगुर दी मत अनुसार कमाना शुरू कर देवे तां उन्हूं कहिंदे ने सतगुर का पाणा कमावदे बिख होमै तज विकार। उन्हां दे पैड़े ख्याल और मंदे ख्यालां वाली सोचनी छुट जाती है। तुहानू बहुत सारे लोग मिलनगे जिहड़े अपनी ऑफिस टाइम सिर जांदे ने, उत्थे सिंसियरिटी नाल पूरा काम टाइम सिर करदे ने, पर अपने तो थल्ले वाले नू कूरी वट के गुस्सा करदे ने, तुम लेट क्यों आए। उन्हें विकार कमा लिया, भावें उन्हें अपनी जॉब च तन रिश्वत नहीं ली, उन्हें विकार एक बैड डीड कमा ली, एक भैड़ी किरत कमा ली कि मैं बॉस हाँ। पति पत्नी नू जदों बुरा घूरी वट के पैंदा है, या पत्नी सस या पति नू घूरी वट के पैंदी है, तां उन्होंने एक भैड़ा कर्म कमा लिया। उन्हों कहते ने दिन रात कमाएड़ो, एक काचा तन है, एक भैड़ा ख्याल है। दिन रात कमाएड़ो सो आयो माथे। माथे का मतलब की होंदा है? माथे का मतलब होंदा है अपनी डेस्टिनी बना ली, अपनी वो वाली किस्मत बना ली। सो असी मंदे कर्म जदों कमाते हाँ, इनू ब्लैक दी कमाई कहिंदे ने। मंदियां आदतां जदों असी कमाते हाँ, इनू अपनी किस्मत बनाना कहिंदे ने। मंदे ख्याल मंदियां आदतां जदों असी कमा के प्रैक्टिस करते हाँ, इनू काला धन ब्लैक मनी वर्तना कहिंदे ने गुरबाणी दी बोली विच। सो गुरबाणी दी बोली चों समझण वास्ते, जे नहीं समझिया सी तां कमाण दा मैना सी पैसे ही कमाणा समझिया होया सी। लेकिन अज असी शब्द पढ़िया, ए शरीर आ मेरिया इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया। अच्छा, कर्म भी कमांदे ने, ये तो असी सोचे ही नहीं सी। असी तो सोचा असी जॉब करना, बिजनेस करना, समथिंग इन इकोनॉमिक्स, कुछ दे के कुछ लेके आना और उससे अपने वोटी बच्चे पालना और कमाइयाँ डीड्स करके कुछ करना, फिर ऐसे ऐसे बीच में भगवान का नाम लेते रहना और फिर कुछ उसमें से बांट लेना। ए असी इन्ना समझो, ऐसी कीर्त करो नाम जपो वंड छको। सो गुरु पातशाह कह रहे ने तू की कर्म कमाया। कर्म का मतलब की होंदा है? कर्म का मतलब इत्थे है तू की फलसफा कमाया है, तू की सोचनी का ढंग कमाया है। जैसा सोचो वैसे डीड्स कर्म बन जाते हैं।
ये शरीर है मेरा, इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया। शरीर नहीं कर्म कमांदा, इहदा मतलब जदों असी बाणी नूं इस तरह पढ़ांगे ना, सतसंग जी इत्थे आया ते ये शरीर आ मेरा है, लेकिन ये शरीर दा मतलब, शरीर दा मतलब मेरी बॉडी नूं नहीं कह रहे ने, मेरे मन रूपी शरीर, मन दे अपने अंग ने, अपनियां अखां ने, अपने हाथ पैर ने, मन दे, मन रूपी शरीर। जदों रसना दी गल आएगी मन रूपी रसना, मूँह की गल आएगी मन रूपी मूँह, अखां की गल आएगी मन रूपी अखां। जदों किसी ने बस विच एक इस्त्री नूं पकड़ लिया, उन उहदा नां दामिनी सी, देखण वेले उहदियां मन रूपी अखां ने उहनूं भैण नहीं समझिया। बैड डीड उन्हें तो बाद होएगी, उन्हें एक थॉट प्रोसेस ही समझिया। लेकिन असी थॉट प्रोसेस जिहड़ा कमांदे हैं ना, वो सतगुर की मत वाला कमाना है तो सेवा शुरू होती है। ये सतगुर सा सेवा की सफल है जिस सतगुर का मन मनने, जहाँ सतगुर का मन मनया, मन मीन्स ऑर्डर, हुक्म, पैराडीम, सोचनी दा ढंग, हाउ टू बिहेव, ऐ सिख्या ना, जहाँ सतगुर का मन मनया ता पाप कसम्मल पन्ने, हुन पैड नहीं होएगा। उन्हें दामनी नूं वेख्या और सतगुर का मन कान विच सुने आया, ये नेत्रों मेरे हर तुम मैं जो तरी हर भी नबर ना देखो कोई। उन्हों सतगुर दा सुनिया जदों समझ आ गया, पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाना है, वेख पराइयां चंगियां मावां तियां भैणां जाने, ये आया ना उहदे कोलों, तां पाप कसम्मल पन्ने, हुन रेप नहीं हो सकता। हुण ते इही ओ भैड़े बंदे, जे उहदा बॉयफ्रेंड भी उहदे नाल माड़ा काम करना चाहुंदा हुंदा, जे जे भैड़े तरीके दे नाल उसनूं डील करना चाहुंदा हुंदा, तां इहनां ने उहदे कोलों भी बचवा देना सी। जिस तरहां पुरातन सिखां दी असीं हिस्ट्री सुणदे हाँ कि अहमद शाह अब्दाली तो लैके जिहड़े बाहरों पठान और मुगल आंदे सी उहनां कोलों बचांदे सन, सारा सोचनी दा ढंग बदलण नाल एक्शन बदल जांदा है। ये शरीरा मेरा, इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया। सो असी कमाना की है, मेरे मन नू कहंदे ने बारह माँ तुखारी विच, तू सुन किरत करम माँ, तू कौन है, रब जी जा मेरा मन, मेरा मन, मेरे मन नू जदों सच दी किरत करम सुन लैंदा है ना, तू सुन किरत करम माँ पुरु कमाया। सो असी जिस पल कुछ सीख जाते हाँ और उस तो बाद जड़े एक्शंस करते हाँ, बिहेवियर ही चो वाले ख्याल आ जाते हैं, इनू पुरब कमाया कहते हैं। पिछले जन्म के कमाई नू पुरब कमाया नहीं कहते ने, पिछले जन्म के कर्मा नू पुरबले कर्म नहीं कहते ने। पिछले जन्म जिस असी कौन सी, कुत्ता सी, बिल्ली सी, नोबडी नोज, गुरबाणी इसनों नहीं मनती कि मैं पिछले जन्म में कुत्ता बिल्ली सी, रादर गुरबाणी मैनू पूछती है तू एट प्रेजेंट कुत्ता बिल्ली है कि नहीं। जेकर मैं सतगुर की मत नहीं ली है तो मैं इस वेले खोता हाँ, नानक सेनर असल खर, खर मतलब खोता, डंकी डमी, जे बिन गुण गर्ब करंत, जे मैं एवें अंकारिया फिरदा मनू सब कुछ पता है और मेरी डीड्स भी ठीक नहीं ने, मेरे कर्म भी ठीक नहीं ने, मैं खोते तो बाद कुछ नहीं है। कबीर मन पंखी पे हो, मरण तो बाद नहीं, मेरे जन्म लैण तो पहले वाला नहीं, मन पंखी पे हो मीन्स एट प्रेजेंट बर्ड बन गया है, उड़ उड़ दे दिस जाए, मेरे इन्हें इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया तो बाहर जाता है, मेरे इन इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया को ना नौ निदा का खजाना नहीं है,
नौ निंदा दे खजाने नू नाम कहंदे ने। नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। मेरे अंदर जिहड़े रब जी वसदे ने ना, वो मेरिया ना इंद्रे ज्ञान इंद्रे ने इन्हों नू नौ इन्हों नू जिहड़ी अकल दित्ती जांदी है, जिहड़ा खजाना जिहड़ा कमाई जिहड़ा साचा तन दित्ता जांदा ना, उहनू निध कहंदे ने खजाना। नौ निध, नौ निधां दा खजाना, जिस जल निध कारण तुम जगाए सो अमृत गुरु पाही जियो। सो गुरु ने मनु नौ निधां दा खजाना दिता, पता की कहंदे ने, छोड़ो वेस बारला दिखावा छोड़ दे, छोड़ो वेस पेक चतराई, जे इन्हां विच पे आया तां डुबदा है, डुबदा है फल नाई जियो। तू डुअलिटी च है, हुण साडे च भी इंजे हो गया ना, गिट्टे तो उपर पजामा पाया होवे, होर कुड़ता पाया होवे, और कुड़ते उत्ते वो हजूरिया जा पाया होवे, और गोल पर ना लेटिया होवे, लाल पग ना बननी होवे, सिर्फ वही धर्म का प्रचार कर सकता है। लेकिन ये साडे विच दुबदा फैल चुकी है, सही है सुनो दसो। इस करके सानू कई जगह कोट पेंट पा के कमीज पेंट पा के लाल पग बन के प्रोग्राम नहीं करन दिता जांदा जी। पहला दाढ़ी खोल के आओ, सिर्फ असी इन्हां गल्लां तक महदूद हो गए हाँ। वेस भेख विच फस गए हाँ। भावें तुसी सारे एक्सैप्ट ना करो, भावें पूरा सिख जगत एक्सैप्ट ना करे, लेकिन गुरबाणी कहती है कि सिर्फ कोई खास वेस धारण करके सच का विचार प्रचार नहीं करेगा। गुरबाणी का सच का वेस की है, अकाल तख्त की रैत मर्याद अनुसार भी, कि वह खंडे बाटे की पौल छक के पंज ककार पाँदा। पंज ककारा नू वेस कहते ही नहीं ने, पंज ककार भेख नहीं है। तो जिहड़ा बाणी पढ़ेगा वह ग्रेसफुल कपड़े पाएगा ही पाएगा, वो अश्लील कपड़े पाएगा ही नहीं। पूरी दुनिया भी ये भुलेखा है, जदों असी कदी किधरे जाते हैं ना तो उत्थे नॉन सिख भी बड़े सारे आए होंगे ने, तो जिहड़ा होस्ट होंगे ना, जिस टाइम इत्थे मेरे वीर शाह जी ने प्रोग्राम तैयार किया है, इस तरह उन्होंने पूछते हैं, तुम्हारे वो बाबा जी कब आएंगे, तुम्हारे वो गुरु जी कब आएंगे, वो तुम्हारे वो महाराज जी कब आएंगे। वो कहता है बैठे हुए हैं, तो ये महाराज जी हैं, पेंट कमीज पाई हुई है। लोगों को भुलेखा है ना, लोग समझते हैं महाराज जी बाबा जी कोई प्रचार करने वाला, रब का नाम लैन वाला या रब की गल करने वाला, कोई खास वेस भेख वाला होता है। सो असी यह फलसफा कमा लिया, और यह फलसफा साढ़े सामने आ रहा है कि तुसी मैं तो प्रचार करना ही नहीं है, सिर्फ कोई खास वेस वाला ही करेगा। तू सुन किरत करमा पूर्व कमाया, सिर सिर सुख सहमा दे सो तू भला। ओए मेरे मन तू सच कमांदा है, सच कमा के एक एक रोम रोम अंग अनुसार कमांदा है, तो सुखी होंदा है। अपने एक एक अंग नू जो तू वंडदा है ना, दे सो तू भला, वो जिहड़ा देंदा है। इत्थों गुरबाणी का कॉन्सैप्ट सामने साफ निकल के आता है कि देना की होंदा है। जो लवांगे सत्संग जी वो देंगे ना, सही है सुनो। जो मेरे कोल होएगा वो ही मैं सांझ करांगा ना, जो मैनू मिलिया मैं वो सांझ करांगा, जो साडे कोल होएगा असी वो सांझ करांगे। असी किरत दा मैना पैसा रख लिया, किरत दा मैना रोटी कमा लाना रख लिया, इस करके असी रोटी वंड ली और पैसा वंड लिया। पर गुरु पातशाह पुछदे ने, तै नार क्या पुराण सुन कीना, तू धर्म दीआं गल्लां बड़ियां सुणदा, रब दा नाम ही बड़ा सुणदा, अन्न पावनी भगत नहीं उपजी। तू हमेशा
नेचर स्टेबल रहन वाली अकल ते सिख्या नहीं। भूख है दान ना दीना, भूख है कौन होंदा है? सत्संग जी भुखा होंदा है मेरा मन। किसे मनुख दी शरीरक भुख नूं भुख नहीं कहंदे ने। जदों तक मेरा मन रजेगा नहीं ना, तां तक वंड छकड़ा नहीं कर सकता। मन रजदा ही नहीं, खांद्या खांद्या मूँह कट्ठा, पहनांद्या सबंग, नानक त्रिकतिना दा जीवै जिन सच न लगो रंग। मन कमांदा नहीं है, मन झूठ और काला धन कमांदा है। मीन्स मन मंदे अवगुण जल्दी जल्दी फॉलो बोरो करता है। जे साडा मन रजिया नहीं है और साडे सामने ना कान ही जाके, मान लो मिस्टर ए बड़ा अच्छा इंसान है, अगर ए अच्छा इंसान है, मिस्टर बी जाके मिस्टर सी नू कहंदा ए अच्छा इंसान नहीं है, जबकि ए दे सारे कर्म नज़र आ रहे हैं कि वो अच्छा इंसान है, अच्छे काम कर रहा है, सी सुनन सार मन बना लेगा हाँ ये अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि मन दी आदत है, मन नेगेटिव्स एक्सेप्ट छेती नाल करता है। मन नू चंगा नहीं लगता कि एदा ना क्यों हो गया, वाई ए इज पापूलर, वाई ए इज नोन वाइडली कि ए बड़ा अच्छा है। इस करके जिहड़ा मिस्टर सी है ना, मिस्टर बी है ना, उन्हां दा मन रजिया नहीं होया तां ही वह निंदा करते हैं। जे असी निंदा सुन लेंदे हां और पसंद करदे हां कि हाँ वाकई अगला भैड़ा ही होना, फिर असी नाल दली देंदे हां ओ जी जिथे ना धुआं होवे उत्थे अग ते आउंदी है, नाल ही सैटिस्फाई भी कर देंदे हां उस भैड़ नूं। सो गुरबाणी अनुसार असी ना सीख रहे हैं कर्म सतगुर की दित्ती मत नूं, ए शरीर मेरा इस जग में आए के क्या तू कर्म कमाया, के कर्म कमाया तू शरीर, जा तू जग में आया। जग का मतलब शरीर मीनस जन्म होंदा है, जग का मतलब होंदा है थॉट प्रोसैस, थॉट प्रोसैस कौन आया इस जग के अंदर, मन। जिनर तेरा रचन रचिया सोहर मन न वसाया, ओए मेरे मन तेनू सतगुर की मत दे के चंगा बनाया जा सकता है, तू वो नहीं लैना चाहता। गुरप्रसादी हर मन वसिया पूरब लिखिया पाया, जे तू गुरु की मत लैके और उस अनुसार चंगे कर्म करे, इन्हों का चंगा रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि कुदरत का यह पक्का नियम है, इनएविटेबल है नियम। जेडे इनएविटेबल नियम होंगे ने ना, इनू कठन कहते हैं, जन नाना के खेल कठन है, कठन मतलब डिफिकल्ट इंपॉसिबल नहीं कहते हैं। जन नानक ये खेल कठिन है दा मतलब इनएविटेबल है, सख्त है, पत्थर वांगू है, बिल्कुल चेंज नहीं होता, तू झूठ नू सच बिल्कुल नहीं कर सकता, तू अवगुण नाल खेड के मन की शांति नहीं ले सकता, जन नानक ये खेल कठिन है। सो ये कुदरत दा नियम है कि दिन रात कमाएड़ो सो आयो मत है, जो सोचेगा जो करेगा वैसे तेरा थॉट प्रोसेस तेरे बन जाएगा, वैसे तेरा स्वभाव बन जाएगा, वैसे तेरे सामने रिजल्ट्स आते जाएंगे। सो असी बाणी चों सीखते हैं, मेरे वीर जी पहला तुहाडे सामने बोल गए ने कि ना सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है, गुरबाणी अनुसार एको नाम हुकम है, रब जी की रजा नियम भाणे अनुसार जीना। यह नंबर टू ते आया, नंबर वन ते असी की सीख्या सी, उच्चा बोलो किरत करो, है ना, जो चंगे चंगे गुण सीख के मैं प्रैक्टिस करता हाँ, चंगे चंगे गुण जितने भी ने सारे मनु रजा नियम भाणे अनुसार जीना सिखाते ने, इनू नाम जपना कहते हैं। और जेकर इन्हों लैके मैं अपने मन नू वंडदा हाँ, अपने इंद्रे ज्ञान इंद्रे वाले सारे इस मन नू वंडदा, इनू वंड छकना कहते हैं। जिस दिन मैं सैटिस्फाई मेरा मन हो गया और वंडेगा, उसनू कहते ने दे नाम संतोखिया। सत्संग जी लोगों ने रब के नाँ रखे हुए ने, रब का नाँ लैना माड़ी गल नहीं है, कोई हरी करे, कोई बीठल करे, कोई राम कवे, कोई अल्लाह कहे, कोई खुदा कहे, कोई वाहिगुरु करे, माड़ी गल तो नहीं है ना, लेकिन
गुरमत चों सतगुर की मत लैके दिन रात असी रब का ना याद रखते हाँ कि वह वालिया डीड्स मैं करा, क्योंकि गुरु पातशाह कहते ने तित सरवरड़ है पहले निवासा पानी पावक देने की आ पंकज मोह पागनी चाल है हम देखा तो डूबले मन एक न चेतस मुण मना। जे तू एक रब का ना दृढ़ नहीं रखता तो पता की होंगे हर बिसर तेरे गुण गलिया, गुण गल जाते ने, गुण गल जाने का मतलब पता की होंगे चंगियां आदतों का सुभाव प्रैक्टिस ना करना, बल्कि जेड़ियां चंगियां आदतां पईयां होईयां सी जो माँ प्यो कोलों बुजुर्गों कोलों सीखियां सी गुरु कोलों सीखियां सी ओह भी लोकां दे कारण टिट फॉर टैट दे कारण छड़ देनियां। उहनूं कहिंदे जी मैं मूँह वेख के चपेड़ मारना, उन्होंने कहते हैं जी जैसा बंदा होता वह लोगों के पाड़े जे लोगों के पाड़े रहिए नम्रता और मिठास नाल बोलिए लोग सिर पर चढ़ जाएंगे, फिर अपना मिठा सुभा छोड़ देंदे आ, फिर अपनी नम्रता छोड़ देंदे आ। सो गुरु पातशाह कहते हैं गुरु प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखे पाया कह नानक ये शरीर प्रवाण हुआ। शरीर मीनस वो वाला मन जिसने रब्बी सतगुर की मत लैके किरत की है चंगे गुण कमाए ने और चंगे गुणा नू कारण रब्बी गुणा नू याद रखे है अते रजा विच रहिंदा है ते उनू अपने इंद्रे ज्ञान इंद्रे नू वंडदा है। जदों ये वंडदा है ना कदों वंडदा है जदों संतोखी हो जाता है। वीण तुद होर जे मंगणा सिर दुखा के दुख अगे की कहिंदे ने दे नाम, फिर सोच लवो संतोखी नाम केड़ा होंदा है। इत्थे नाम दा मैना निकल के आएगा ओ वाली सुमत जिद्दू लैके मैनू संतोखी मत संतोख दा सुभा पक जांदा है। जदों मैं संतोखी हो जांदा दे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख गुरु वण त्रिण हरिया कीत्या नानक क्या मनुख। मनुख दा मतलब है ये शरीर, मनुख का मतलब है ये अज्ञानता वस वाला मन, मन का अपना शरीर। मनुख का मतलब इस बायोलॉजिकल बॉडी नू नहीं कहते ने। सो असी अज गुरबाणी चो सिख्या जे अवगुण कमाते हाँ तो रब जी तो दूर हो जाते हाँ, उन्हूं कहते ने किरत करम के विछड़े। सो सारे ने सांझ की जेड़ी जे कमाइया पैसे और बिजनेस और नौकरी करके लियाईए तो साढ़े घर जड़िया मावं हाउस वाइफ्स ने वो किवें किरत करनगियां, जेड़े बच्चे उन्हें पढ़ते पे ने वो किवें किरत करनगे। सो कई लोग मैनू कहिंदे ने तुसी अर्थ बदल देंदे हो, सतसंग जी असी अर्थ नहीं बदलते हाँ, असी अर्थ समझण वेले कोशिश करते हाँ कि ये वाले अर्थ यूनीवर्सल किवें हन। अर्थ समझण वेले असी सोचते हाँ ये अर्थ सारयां ते एप्लीकेबल किवें होंदे ने, जे सारयां ते अर्थ एप्लीकेबल नहीं हो रहे तो उन्हें सतगुर ना बनिया। सच्चा गुर सतगुर जिहड़ा यूनीवर्सली ट्रुथ होवे जिहड़ा सारयां ते एप्लीकेबल होवे। असी अपनी माँ अपनी वोटी अपनी धी भैन या साडे घर बुजुर्ग दादी बैठी है नानी बैठी है जो वो घर काम करती है ना एक किरत है, यह होर डिफिकल्ट किरत है, ये थैंकलैस किरत हुई हुई है अजकल, यदी कीमत कोई नहीं पाता। उन्हू ऑनेस्टली करती है दिल नाल करती है पैशन नाल करती है यदि किरत है। कोई भी कोई पर गल यह रहेगी कि उन्हों सिंसियरिटी वाली किरत कमानी आ गई है पहला, हूँ जो काम करेगी किरत सिंसियरिटी नाल ही करेगी। असी अपना जेड़ा काम करते हैं ना जो उन्होंने सिंसियरिटी नाल करते हैं ना वो पॉजिटिव और गुड रिजल्ट्स ही निकलते हैं। दिस इज डिवाइन पावर। सो रब्बी गुणा नू याद रखना प्रैक्टिस करना नाम जपो है अते फिर संतोखी हो जाना ते सारयां दे नाल संतोख दा बिहेवियर करना। कल शामी मैं टीवी ते देख रहा सी इंडियन आइडल, उहदे विच एक कोई शायद उहदी मैं पहला नहीं सुनिया कोई गायक शायद गरीब परिवार का होना उन्हों क्रिकेट का रिटायर्ड प्लेयर मशहूर प्लेयर
सहवाग बोल रहा सी कि हमारे घर में 1000 रुपये से घर के सारे मेंबर पलते थे, हम बहुत लोग गरीब थे, लेकिन आज मेरी मम्मी को 60,000 रुपये का एक इंजेक्शन लगता है, मतलब हम इतना कमाने योग हो गए हैं। तो उन्होंने कह रहा सी तुम्हारे ऊपर भी एक दिन ऐसे बख्शिश हो जाएगी, तुम ज़्यादा कमा लोगे। सत्संग जी ज़्यादा कमान दी गल दरअसल नहीं है, तुसी एक्नॉलेज करो या ना करो, साडे घरां दे विचकार एक कमरा हुंदा सी, उस कमरे दे कॉर्नर ते जमीन ते चार इटा रख के चुल्ला हुंदा सी, और उसे कमरे ते फर्शी बिस्तरे करके 8-8 बंदे सो जांदे सन। बहुत सुख सी, बड़ा भैणा भरावां माँ प्यो बच्चियां दा बुजुर्गां दा आपस विच निग प्यार सी। आज 2-2 लाख रुपया कमा के भी वक्रे वक्रे बेडरूम, वक्रे वक्रे बेड, वक्रे वक्रा टीवी और ढेर सारे फ्रिज और एवरीथिंग होने के बावजूद साढ़े मन मटाव ने और असी सुखी नहीं हाँ। इहदा मतलब सानू संतोखी किरत कमानी है जिहदे नाल मन की भुख उतर जाए। जे असी संतोखी किरत नहीं कमाई है ना, असी रखड़ी देखते रहते हैं भरा की लियाया, भैन नू की दित्तास, इन्ह गल्लां ची पै रहते हैं। भैन दे भी मन की जे भुख उतर जाए तो वह कहेगी नहीं भैया मुझे तुमसे सिर्फ राखी बंधवा के तुमसे साल के बाद कुछ पैसे नहीं लेने हैं। बल्कि मैं ऐसे बंदियां नू मिले आया जिन्हां दी भैन चंगे अमीर घर व्याही गई सी और भरा दियाँ थोड़ियां जिहियां कमाइयां ने। भरा कहिंदा मेरे घर ते महीना पहला पुआड़ा पै जांदा है कि भैन नू रखड़ी वाले की दिन की देंगे, मेरी वोटी दे नाल झगड़ा शुरू हो जाता है कि हमारी अपने मंथली पूरी नहीं हो रही है, उसको क्या देंगे। ये सारी खेड बारलियां ने, मन दी भुख नहीं उतरी। दाज लवांगे, दाज दवांगे, बाहरलियां चीज़ां विच पे रहांगे, कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं, कौन सा सोना पहना, कौन सा बर्थडे में गिफ्ट दिया था, कौन सा एनिवर्सरी में दिया, इन चीज़ों विच पे रहांगे। असी अंदर दी किरत समझ जाइए ना, अंदर दी किरत, अंदर दे रब्बी गुण वाला नाम और अंदर दा वंड छकना समझ जाइए, साडा चारों पासे संतोखी बिहेवियर हो जाएगा, साडा सब दा जीवन बदल जाएगा। मैनू हुक्म होया सी कि साढ़े कोल लिमिटेड टाइम है, मैक्सीमम 2:30 बजे तक मैं तुहानू क्वेश्चन आंसर वास्ते सद्दा देंदा। मेरा टॉपिक तुसी सारयां ने पहलां बोल के बड़ा सौखा कर दिता सी, मैनू वीर जी ने क्ल्यू भी दे दिता सी। सो तुसी सब ने जो सांझ कीती मुबारक है। मेरे नाल विचार करदे होया तुहानू जो कुछ भी बाणी चों समझ आंदा होवे तां उसनू तुसी लै सकदे हो। मैं किसी नूं रोंग प्रूव करन दी कोशिश नहीं कीती। हुण साडे क्वेश्चन आंसर शुरू होणगे ते क्वेश्चन आंसर वेले भी क्वेश्चन ही करना, कोशिश करना वो लैक्चर ना होवे। आओ जी, पहला क्वेश्चन लिखिया आ चुका है, गरीब दा मूंह गुरु दी गोलक। सत्संग जी गरीब दा मूँह, दरअसल गरीब कोई होंदा नहीं है, रब जी ने नहीं बनाया। एक गल असी पक्की पल्ले बन लईए, गरीब जेकर सानू कोई नज़र आंदा है, साडा निज़ाम, साडा सिस्टम, साडा सोचनी दा टांग, साडा ना वंड छकना, साडा ना शेयरिंग करना, साडा वितकरा ऊंच नीच दा करना, इहदे कारण वो गरीब रह गया है, रब जी ने नहीं बनाया। असी समझते हाँ साड़ियाँ लखां रुपये कमाई आती है, किसी गरीब नू चलो सर्दियों में एक कंबल लै देंगे, या किसी एक स्वैटर लै देंगे, या किसी एक दिन रोटी खवा देंगे, असी सैटिस्फाई हो जाते हैं। भूख है दान ना दीना दा मतलब होंदा मन नू सच दी मत दा जे तू दान नहीं दिता। सो दरअसल गरीब ना आप बनना है, उन्हूं कहिंदे ने गरीबड़ा सुभा नम्रता। जो असी नम्रता च आ जावे ना, असी सारियां नाल सांझ करिया करांगे, असी अमीरां नाल भी नफरत नहीं रखांगे, अमीरां नाल बैठ के सांझ करांगे कि पैसे वादू ने, आओ लोड़वंदा नाल सांझ करिए। अते दसां नौआं की कमाई की होंदी है। सत्संग जी असी अपने आप नूं समझदे हां कि असी मैं मेरे है दस,
दस उंगलों ने इन दे जिहड़े नौ ने दसा नौआं की किरत है। दसा नौआं की किरत के बारे मैनू गुरबाणी चों वैसे कोई क्लू मिलिया नहीं, रादर मेरे मन दे अपने हाथ ने, मेरे मन दा अपना सोचनी दा ढंग है। मैं मन करके ईमानदारी दी कमाई करिया करा, राइटियस मीनस दे नाल कमावां, ते मन करके अपने सारे तन उत्ते अते सारिआं नाल सांझ करिया करा, तां गल बन जाएगी। उन्हूं कहिंदे ने अकली साहिब से भी अकली पाई है मन, अकली पढ़ के बुझिए अकली कीचे दान। सानू सही मैनेज समझ आ जाएगा कि असी की करना है। फॉर एग्जाम्पल, आज तो हफ्ता डेढ़ पहला गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल विच कुछ फॉरनर्स अमेरिका तो आए और वो फॉरनर्स ने बंगला साहब विजिट किया। वो कहते असी सिक्खी दी डॉक्ट्रिन बारे कुछ सीखना समझना चाहते हाँ, तो गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल जी दी प्रिंसीपल और मीनार ट्रैवल्स वाले ने मिल के एक प्रोग्राम अरेंज किया, तो मैं उत्थे सांझ करन दा समा मिलिया। उन्होंने मेरे नाल एक गल सांझ की जिस गल नूं सुन के मेरे पैरों थलों जमीन निकल गई कि एक बंदे ने रब्बी गुण नूं प्रैक्टिस किया ते अज पूरा वर्ल्ड इस नूं रेकग्नाइज कर रहा है। वो की कि कोलंबियन यूनिवर्सिटी के अंदर एक सिख नौजवान नूं मुसलमान समझ के मारिया गया और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस विच कहा जे वह पकड़े भी गए ने उन्हां नूं माफ़ कर दिओ। यह बहुत वड्डा उन्हें गुण कमाया, यह गुण किरत है, यह गुण बाणी विच लिखिया होया है और इसनू अरदास विच असी रोज़ वेख के एडिट करना सीखते हाँ और तेरे भाणे सरबत दा भला मंगते हाँ। सो इन जिहड़े असी ना लंगर लांदे हाँ बिना वितकरे तो, बिना जात पात तो रहिंदे हाँ बिना वितकरे तो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वितकरा नहीं करते हाँ, जदों असी ए वाला गुण प्रैक्टिस करते हाँ ना, यह असी अपनी किरत कमा रहे हैं और यह पूरी दुनिया नाल वंड छकना कर रहे हैं और पूरी दुनिया इस नूं सीख रही है, रैकगनाइज कर रही है। सो उन्होंने मेरे नाल ए वालियां गल्लां सांझ कीतियां, वो बड़े हैरान होंदे सन कि तुसी नोटबंदी वेले भी लोगों नू लंगर छका रहे हो, लोगों नू रोटी दे लाले पे होए ने, तुसी गुजरात अंदर भूचाल आया या कोयटा भूचाल आया कितने भी आया तुसी लोकी पहला पहुँच जाते हो, ये साढ़े को बड़ा वड्डा असैट है। लेकिन ये असैट असी गुरु को सीखे, गुरु ने सानू सिखाया है कि असी हाथ नहीं अड्डना, असी दान नहीं लेना, गुरु ने सानू सच सिखाया है और सच असी प्रैक्टिस करना है। जितने रब्बी गुणा की प्रैक्टिस करते जावांगे उतना वर्ल्ड वाइड सानू नहीं सिक्खी नूं बचाना पेगा, सिक्खी अपने आप ही चंगे गुणा करके बची रहती है, बची ही रहेगी। हाँ जी, बच्चियां नूं संस्कार चंगे दिओ ताकि वो मेरी सेवा करन, एक क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। असी बच्चियां नूं ना कोई संस्कार नहीं देना, रादर जो असी संस्कार उन्हां नूं देना चाहते हैं वो मैं प्रैक्टिस करा, बस बच्चे आपे लै लैणगे। बच्चे साढ़े तो ज़्यादा सियाणे ने, जदों पापे नूं देखते हैं कि माँ नूं किवें गालां कढ़दा, माँ नाल किस बिहेव करता है, बच्चे आपे लै लैंदे ने, सिखाणी नहीं पैंदी। जे वह सुचेत ना हो तो वह लै लेगा और लैके अपनी वोटी नाल मिसबिहेव करेगा। जे वह सुचेत है तो वह कहेगा मैं नहीं लैना, मैं तीन भरावां नूं जानदा, उन्हां दे पिता जी की शराब करके डैथ हो गई सी, अज उन्होंने अपने प्यो की मूर्खता वाला पॉइंट नहीं लिया, उन्होंने कहा असी जिंदगी भर शराब नहीं पिया। ये डिपेंड करता है, लेकिन बच्चों नूं ना संस्कार देने की लोड़ नहीं है, वो तुहाडे जिहड़ी प्रैक्टिस है ना, मम्मी बोलती है बड़ों का कहना मानना चाहिए। अबे मेरी मम्मी जब दादी कुछ कहती है तो नहीं मानती। बच्चे बहुत स्मार्ट ने, बच्चों नूं कोई संस्कार देने की लोड़ नहीं है, रादर जिहड़े संस्कार देना चाहते हो वह बच्चों के सामने साडे सुभा कमाए हुए सुभा की प्रैक्टिस होनी चाहिए है।
बच्चे बहुत स्ट्रांग ने, डोंट मिस जज दैम, डोंट अंडर एस्टिमेट दैम। ए उन्हें पिछे की होया, 3 महीने पुरानी गल है। न्यूयॉर्क मेरी सिस्टर मैनू कहती है कि मेरा पोतरा 4.5 साल का है, मैं जो शामी रहा साहब करती हाँ, यह खेडदा खेडदा आके मेरे को बैठ जाता है, आस्ता आस्ता वो तोतली जबानी तेरा कीता जा तो नहीं सीख गया। 4.5 साल का बच्चा, अमेरिका का बच्चा जिन्हों पंजाबी बोली नहीं आती, वो ग्रैंड माँ को आके बैठ के खेडदा खेडदा कहते हूँ मैं आवाज़ नहीं मारती, शाम के 6:30 बजते ने मैं ररा साहब शुरू कर दी, खेडता रहा है पर इनू सुनाई देता रहा, मैं उच्चा उच्चा पाठ कर रही होंगी, इनू सुनाई देता एम तेरा कीता जा तो ना ही वेले मेरे को ला के बैठ जाता और मेरे नाल सुर मिला के गाना शुरू कर देता। सो नाउ व्हाट हैपेंड, वो उन्हां नाल गुरुद्वारे जाता सी, गुरुद्वारे बच्चे बहते नहीं, वो शरारती बड़ा है, वो दूजे बच्चों छेड़खानी भी करता सी, शरारत भी करता सी, कदे भाई साहब जी का तबला खिंच देता सी, कदे उन्हां दा पाउडर ज़्यादा छिड़क देता सी, कदे वो भाई साहब के तबले की हथौड़ी मारन लग पैंदा सी, कदे माइक खिंच लैंदा सी, बहुत शैतान है। सो मेरी भैन ने उन्हूं कहा आई विल नॉट टेक यू टू द गुरुद्वारा विद मी, वाई ग्रैंड माम आई लव टू गो टू गुरुद्वारा, शी सैड नहीं यू आर वेरी नॉटी, इफ यू गो देयर यू डोंट हैव टू स्पीक, डोंट हैव टू मेक एनी नॉइज देयर, मेक श्योर साइलेंस, प्रॉमिस। सुन ली बच्चे ने और भैन जी उन्हें गुरुद्वारे लै गए। सो जो ये गुरुद्वारे गए भाई साहब जी ने कीर्तन शुरू करना सी, मेरिया दोनों सिस्टर गुरुद्वारे जांदियां ने, वो गुरुद्वारे शब्द पढ़दियां ने, भाई साहब जी ने कहा तुसी शब्द पढ़ना है, सो माई सिस्टर सैड हाँ पढ़ना है, और आप शब्द पढ़न की बजाए पोतरे नूं बुला के इत्थे बिठा दिता और माइक ला दिता, शानी स्पीक डू पाठ, तेरा कीता जा तो नाई, ही साइलेंट। उन्हों फिर क्या बोल, फिर तीजी बारी क्या बोल रहा, यू नो स्पीक, वो चुप ही रहा। भाई साहब जी ने एक होर बीबी बच्चा लियाई सी, उन्हों क्या तुसी पढ़ो, बच्चा आ गया उन्हें पढ़ दिया, घर आके भैन जी बोलते हैं वाई यू डिड नॉट, कहता ग्रैंड मम यू सैड डोंट स्पीक देयर, सो आई डिड नॉट स्पीक। बच्चे इतने स्ट्रोंग होंगे ने, बच्चे बहुत बारीकी दे ने गल पकड़ते हैं, असी सारे भुल गए हैं। उसी का वड्डा भरा जदों वो 4:45 का सी, जिहड़ा अज 8 साल का है, सरब, सरब नूं पुछिया कि सरब कहिंदा ग्रैंड मां नूं कि यू आर नॉट वैल एंड आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड एंड प्ले विद विली, मैं बाहर खेडन जाना चाहता। सो उन्हें कहा नो आई एम नॉट वेल, आई यू कैन नॉट गो अनलैस यूर माम कम्स फ्रॉम द जॉब, सो वैन माम कम्स, उन्हें कहा माम विल कम राइट अराउंड आफ्टर 1 आवर 5 o'clock, 5 बजे तक वो बहुत सबर नाल बैठा रहा बच्चा और वेट कर रहा जो ही मेरी माँ आएगी, जो ही मैं माँ आई, हुण माँ ट्रैफिक थकी भी आई, उन्होंने भुख भी लगी हुई है, ये माँ कह रहा आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड एंड प्ले विद विली, शी सैड नो यू कैन नॉट गो, कहिंदा वाई, कहिंदी हुणे मैं थकी हुई हाँ, हुणे मैं ट्रैफिक तो आई हाँ, हुणे मैनू चाह पीनी है, हुणे मैनू बाथरूम जाना है, कहिंदा बट वाई आई कैन नॉट गो, कहिंदी है नो यू कैन नॉट गो अलोन, कहिंदा वाई, कहिंदी आई हैव टू वॉच यू, माँ का ही कंसर्न होंदा बच्चा टैन ना पवे, सड़क पार करनी है, कोई कार ना आ जाए, कोई होर बच्चा इनू ना मारे, सो बच्चों के कोल उन्हों खेडदिया रख के आप किनारे ते खड़ी हो जाती सी ग्रैंड माँ या माँ। सो ज्यों ही माँ ने कहा ना आई हैव टू वॉच यू, कहिंदा यू आर लायर, एवरी नाइट बिफोर स्लीप वैन यू टॉक अबाउट गॉड यू टैल मी गॉड इज़ वॉचिंग, Why you have to watch me when God is watching?
सत्संग जी जिहड़ा इह सवाल है ना बच्चों नूं की संस्कार दीए, मैनूं इह इंज समझ आया बच्चों नूं कोई संस्कार नहीं दिते जा सकते। जे वड्डे शराबां पींदे ने संस्कार देने नहीं पैणे, डे बाई डे बच्चे शराबां पी रहे ने। जे वड्डे दाज लै रहे ने तां डे बाई डे डाउरी सिस्टम बहुत ज़्यादा महंगा हो ही जा रहा वे। जे वड्डे जात पात मनते ने तां बच्चे भी जात पात मनन लग पैणगे। जे वड्डे गुरुद्वारां विच इलैक्शन दे झगड़े करदे रहणगे तां बच्चे भी होर वड्डे वड्डे इलैक्शन दे झगड़े करिया करनगे। इस करके ना ये वाला ना पॉइंट असी छोड़ दईए, रादर वी शुड प्रैक्टिस। मैनू किरत करनी सिखाई है, मैनू नाम जपना सिखाया, मैनू वंड छकना सिखाया, मैनू दे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख, मेरी भुख उतारन वास्ते क्या बाकियों का ठेका लैण की लोड़ नहीं है। बी अ बींग ऑफ स्पिरिचुअलिटी विच इज़ बींग preached, which is being taught through Gurbani. हाँ जी, हुन जेड़ा सज्जन आएगा वो इत्थे बैठेगा, पहला अपना नाम बोलेगा, उस तो बाद क्वेश्चन आंसर शुरू होंगे।